जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं एक ऐसी क्रिया आपको बताने वाला हूँ कि आपको उसमें किसी भी प्रकार के कोई मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। और आपका जो दुश्मन है, दुश्मन समझ लीजिए कि बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो जाएगा। एक एक करके सभी लोग उस घर में जो रहते होंगे, एक एक करके सभी समाप्त होते चले जाएंगे। धन की हानि होगी, रोग व्याधि उस घर से कभी निकलने का नाम नहीं लेंगी। और हर प्रकार से, चारों तरफ से, धन से भी, मान सम्मान से भी, और जो व्यक्ति हैं उनसे भी, वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि पूरी बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उस घर में, उस जगह पर ताला लग जाएगा। मतलब ये कि कोई नहीं बचेगा, या तो वहां से छोड़ करके चले जाएंगे या फिर सब मारे जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसी कौन सी विद्या है कि जो इतना सब करने में सक्षम है, और वो भी बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी साधना के। ऐसा क्या है? तो देखिए, मैं आपको ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो ग्रामीण समाज है, उस ग्रामीण समाज में या पहले से ही गुरुओं के जो गुरु रहे हैं इस तंत्र विद्या के, उनके टाइम से ही ऐसी कुछ विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं थी कि जो हम, मतलब वो लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने शिष्यों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि शिष्य उनके काबिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस विद्या को लुप्त किया। वो विद्या या तो खत्म हो गई उनके साथ ही, या फिर उन्होंने किसी एक आध शिष्य को दे दिया, जिससे कि वो विद्या बिल्कुल ही लुप्त होती चली गई। और ऐसी कुछ विद्याएं थी कि जिनमें आपको मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको तंत्र करना है बस। अब वो विद्या कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे समाज में जो ग्रामीण एरिया है, वहां पर आज भी कुछ लोग ऐसे तंत्र के ज्ञाता हैं कि जो मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ क्रिया करने की जरूरत है, और व्यक्ति जो दुश्मन है आपका, वो पूरी तरीके से उस क्रिया के करने से, मतलब कि बर्बाद होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कभी भी ऐसी क्रियाएं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं करनी चाहिए जो कि बिल सामाजिक दृष्टि से सही है, किसी का बुरा नहीं करता है, और आप उसका बुरा करने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना, वरना दंड आपको भी भुगतना पड़ेगा। और देखिए, कहीं स्वर्ग नरक में बाहर कहीं नहीं मिलता है, दंड अब यहीं पर मिलता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बाद मिलता है, अब यहीं पर और बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए भगवान की उस लीला को समझिए, उसके उस न्याय को समझिए जो वो देता है। अब अगर कोई मूर्ख होगा तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको तो बस करने से मतलब है। बाकी जब सर उस भगवान की लाठी उसके सर पर आएगी, तब वो रोएगा बैठ करके, तब उसको ज्ञान तो तब भी नहीं होता। बहुत से तो कुछ ऐसे होते, उनको तब भी नहीं होता ज्ञान, इतने वो पागल होते हैं फिर भी नहीं होता उनको ज्ञान। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को, अब आप कहोगे जी आपको वीडियो को लंबा बढ़ाते जा रहे हो, भाई मैं लंबा नहीं बढ़ा रहा हूं वीडियो को, तुम्हें मैं पहले समझा रहा हूं, तुम्हें मैं पहले तुमको पक्का कर रहा हूं, क्यों? जिससे कि तुम गलती ना कर दो, इसलिए मैं पक्का कर रहा हूं तुमको। वीडियो बढ़ाने से मुझे मतलब नहीं है, मैं तो 2 मिनट की वीडियो पहले ही बना करके खत्म कर देता कहानी को,
लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जिससे कि आप सुख शांति से रहें, क्योंकि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। भाई अगर हमने अपने घर में अगर बबूल का पेड़ बोया है ना, तो हमारे घर में आम नहीं लगेंगे, कांटे ही गिरेंगे, क्योंकि बबूल के पेड़ के नीचे कांटे ही गिरते हैं और एक दिन वो हमारे ही पैर में लगेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी भी बबूल के पेड़, उसका अर्थ ये है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा तांत्रिक प्रयोग करवा रहा है, आपको पक्का पता है कि ये व्यक्ति करता है और पूर्ण रूप से वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप करते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। दोष तो खैर लगता है फिर भी, लेकिन पर इतना नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो व्यक्ति खुद आपके साथ बुरा कर रहा है। ठीक है, तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति संदेश देती है कि अब उसका बुरा होने का टाइम आ गया, क्योंकि उसने जो किया है उसको भोगना भी तो है ना, तो इसलिए उस वक्त उस कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। तो अब मैं आपको क्रिया में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, ये उल्लू तंत्र है और उल्लू तंत्र पर मैं आपको वीडियो दूंगा और पूरी वीडियो दूंगा, उल्लू के प्रत्येक अंगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उल्लू कैसे बोलता है आदमी की वाणी में, हमारी वाणी में कैसे वो बताता है, कैसे वो बोलता है, उसको भी मैं बताऊंगा, पूरी चीजें मैं बताऊंगा आपको उल्लू तंत्र के ऊपर। लेकिन आज मैंने एक छोटी सी वीडियो मैं उसी के लिए दे रहा हूं कि उल्लू के जो पैर की हड्डी होती है, उल्लू का जो पंजा होता है, पंजे के ऊपर वाली हिस्से में, मतलब कि पंजे की हड्डी नहीं, नीचे तो उसका पैर पंजे होते हैं उंगलियां टाइप, लेकिन उससे जो ऊपर उसकी जो पैर जो होता है उसकी हड्डी अगर आपको मिल जाती है, उसकी हड्डी ले लें और रविवार के दिन या किसी भी वार में, मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी वार में, कोई भी दिन हो, अगर उस हड्डी को आपने दुश्मन के घर में किसी भी तरह से गाड़ दिया, उसके घर के अंदर गाड़ दिया उस हड्डी को, या फिर दीवार में किसी भी तरीके से, बाहर से नहीं अंदर, उसके घर में अंदर, तो आप समझ लीजिए कि उसके कुछ ही दिन बाद, ये नहीं कहता मैं कि दो चार दिन बाद ही या दस दिन बाद या महीने भर बाद, लेकिन कुछ लंबे टाइम से लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर ऐसा पहुंचेगा कि हो सकता है कि उस घर में आपस में लड़ाई हो तो एक दूसरे को मार भी दें, मतलब कि द्वेषण भी होगा, उच्चाटन भी होगा, मारण भी होगा। तंत्र क्रिया का एक अनूठा ऐसा स्वरूप है कि वो आपका शत्रु बिल्कुल एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, जब तक कि वो जो आपने वो एक अंगुल की जो लक उसकी उल्लू की जो हड्डी अपने पैर की हड्डी उसके घर में गाड़ी है, वो हड्डी जब तक निकाल नहीं ली जाएगी तब तक वो व्यक्ति बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। चाहे कितने ही तांत्रिक लग जाएं, चाहे कितने ही तांत्रिक अपनी ऐसी तैसी करवा के चले जाएं, लेकिन कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पाएंगे वो जब तक हड्डी नहीं निकाल देंगे। और हड्डी निकालना इतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि गाड़ना बहुत आसान है लेकिन हड्डी का निकालना आसान नहीं है। जब कोई भी तांत्रिक उस हड्डी को निकालने के लिए चलेगा तो उल्लू जो होता है, उल्लू पूरे शमशान का बादशाह होता है। अब मैं आपको बता देता हूं, उल्लू जो होता है वो पूरे शमशान का बादशाह होता है और सारी शमशानी शक्तियां उस हड्डी को निकालने नहीं देंगी, वो सारी शमशानी शक्तियां ही उस घर को बर्बाद करती हैं और उस हड्डी पर, उस हड्डी की रक्षा भी करती हैं कि कोई इसको निकाल ना दे यहां से। ये ऐसी तंत्र की क्रिया है कि अच्छे अच्छे आएंगे और फेल होके चले जाएंगे, लेकिन एक बार जो तुमने कर दिया तो फिर कर दिया,
उसको सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, जो गाड़ेगा उसको वही निकाल सकता है, उसको किसी तरह के तंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही निकाल सकता है। लेकिन वो भी अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं। एक बार आपने गाड़ तो दिया है, लेकिन फिर कोई हिम्मत नहीं है जल्दी से कि आप निकाल दें उसको। तो इसलिए आप ये जो तंत्र करें, ये बहुत सोच समझ के करना, किसी के साथ भी करना। कहते हैं ना कि कभी कभी व्यक्ति भड़काए में आकर के कर तो देता है, लेकिन बाद में बहुत पछताता है वो। कहते हैं ना कि कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को मार तो देता है, लेकिन बहुत पछताता है वो। इसीलिए किसी ने कहा है कि एक मिनट का गुस्सा, यानी एक सेकंड का, मिनट छोड़ दीजिए, एक सेकंड का गुस्सा अगर हम पूरब की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो हमारे बिल्कुल उल्टा कर देता है, वो पश्चिम की तरफ हम चल देंगे। एक मिनट का गुस्सा इतना हमारी जीवन में परिवर्तन कर देता है कि अगर हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो वो हम पश्चिम की तरफ चले जाएंगे, दिशा उल्टी हो जाएगी, सिर्फ एक सेकंड का गुस्सा जो हमारा होता है। तो इसलिए गुस्से को दबाना चाहिए जितना हो सके। ये मैंने तंत्र जो मैंने बताया है, ये एक सबको जानकारी मिल जाए इन तंत्रों के बारे में, इस वजह से मैंने आपको सभी को ये तंत्र बताया। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और भाइयों, ये मत कहना कि वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, लंबी तो होनी है, सिद्ध सावर मंत्र की वीडियो है तो लंबी तो होगी। तो इसलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।